हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर टू जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में। आइए देखते हैं दूसरे चैप्टर की चौथी हेडिंग पादप जगत के बारे में। पादप जगत प्लांटी किंगडम के बारे में समझते हैं ध्यान से। इससे पहले हमने आपको कवक वर्ग के बारे में समझाया था, जगत कवक के बारे में, फंजाई के बारे में। देखें ध्यान से, पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, तो पादप जगत में वे सभी जीव रखे गए हैं जो जीव कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे और परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो कुछ पादप हैं जैसे कीटभक्षी और परजीवी या आंशिक रूप से कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। बाकी जितने भी पादप हैं वे स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए वह प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, तो पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लैडरवर्ट तथा विनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधों, ठीक है, जो कीटभक्षी पौधे हैं उसका उदाहरण है ब्लैडरवर्ट तथा विनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधों के, और अमरबेल जिसे कॉस्कुटा कहते हैं परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर परजीवी का उदाहरण पूछा जाए तो इसका उदाहरण है अमरबेल कॉस्कुटा। ठीक है, और कीटभक्षी पौधा ब्लैडरवर्ट और विनस फ्लाईट्रैप है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत वर्णन जो है आप अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर्स है पादप जगत के बारे में, अध्याय 3, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। प्लांटी जगत में अर्थात पादप जगत में आपको शैवाल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। तो पादप जगत में किसको किसको रखा गया है? शैवाल को, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन काल में दो स्पष्ट अवस्थाएँ, ठीक है, पाई जाती हैं, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद और अगुणित युग्मकोद्भिद। ठीक है, पादप के जीवन चक्र अगर देखा जाए तो पादप के जीवन चक्र में दो अस्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो द्विगुणित अवस्था होती है उसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं, और जो अगुणित अवस्था होती है उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है, यह दोनों एक के बाद एक आते हैं, अर्थात इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रस्थाओं की लंबाई के अनुसार भिन्न होती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित और द्विगुणित प्रस्थाओं की लंबाई के अनुसार भिन्न होती हैं, और ये प्रस्थाएं मुक्त जीवी अथवा दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो अलग अलग प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित और द्विगुणित प्रस्थाओं की लंबाई जो है, अगुणित और द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई और ये प्रावस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर हैं कि अनुसार भिन्न होती हैं। ठीक है, युग्मनज 2N में मियोसिस विभाजन के द्वारा, युग्मनज जो है, जो जाइगोट जो है, वह 2N में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनाते हैं। तो जाइगोट जो है उसमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। यही जो बीजाणु हैं यही अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और आपका युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक चाहे वो नर हो तथा मादा हो, युग्मकोद्भिद पर बनते हैं। ठीक है, युग्मक जो हैं वो कहाँ बनते हैं? युग्मकोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं युग्मक जो है, युग्मक वह नर और मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं। युग्मक चाहे नर हो और मादा, दोनों कहाँ बनते हैं?
युग्मकोद्भिद पर बनते हैं जो आपस में संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मराज बनाते हैं। युग्मरस से बीजाणुद्भिद विकसित होता है। युग्मरस से ही क्या बनता है, बीजाणुद्भिद विकसित होता है और इस प्रक्रम को पीढ़ी संतत एकांतरण कहते हैं। ठीक है, तो युग्मरस से बीजाणुद्भिद विकसित होता है और इस प्रक्रम को संतत एकांतरण कहते हैं। ठीक है, आप इस जगत की विस्तृत विवरण जो है अध्याय तीन में पढ़ेंगे। तो अध्याय तीन में इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पादप जगत के बारे में समझाया जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ी बातें जंतु जगत के बारे में, जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम के बारे में। इस जगत के जीव विषम पोषी यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, जो जंतु जगत है इसके जीव कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं और यूकैरियोटिक हैं, जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो जो एनिमेलिया किंगडम के जो जीव हैं वे विषम पोषी होते हैं, ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और बहुकोशिक होते हैं, उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें शैवाल नहीं पाई जाती है। ये भोजन के लिए डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से, भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो जंतु जगत के प्राणी हैं वे परोक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से या फिर अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं। ठीक है, यह भोजन जो है कहाँ पचता है इनमें, तो भोजन जो है इनके इंटरनल जो है गुहिका होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैनाल होता है, जीआई ट्रैक जिसको कहते हैं, उसमें जो है भोजन पचता है और भोजन को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण, ठीक है, इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतःग्रहण करना होता है। ठीक है, इनमें क्या करना होता है, तो स्टूडेंट्स आपको हमने बताया कि इसमें प्राणी जो हैं संपोषण अर्थात भोजन का अंतःग्रहण करना होता है। इसमें प्राणी जो है भोजन को अपने अमाशय में पहुंचाता है। ठीक है, भोजन का अंतःग्रहण करता है, अपने शरीर के अंदर पहुंचाता है। इसमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें ग्रोथ का एक पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वृद्धि का एक निश्चित पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति और माप होती है। उच्च कोट के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। ठीक है, तो जो उच्च कोट के जीव होते हैं उनमें विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश जो है चलन करने में सक्षम होते हैं। इनमें से जो अधिकांश जीव हैं वह चलने में क्या होते हैं, गमन करने में, लोकोमोशन में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर और मादा के संगम से होता है, बाद में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो जंतु जगत में जो लैंगिक जनन है वह नर और मादा के संगम से होता है और भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन जो है आपको अध्याय चार में विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यह था आपके पादप जगत के बारे में और जंतु जगत के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम चर्चा करेंगे विषाणु के बारे में। थैंक यू।